शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिमाचल पुलिस ने हिंदू संगठन सदस्यों की गिरफ्तारी और लाठीचार्ज किया था। इसके विरोध में हिंदू और व्यापार संगठनों ने हिमाचल बंद ऐलान के बाद सड़कों पर उतर आए। हिंदू संगठन सदस्य की रिहाई और मुस्लिमों के अवैध कब्जे और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जाँच करने की मांग उठाई है। मैं तरुण तोमर, प्रांत कार्यकारी सदस्य हिंदू जागरण मंच हिमाचल प्रदेश। मैं प्रदेश सरकार से अपील करता हूं, जो संजौली में एक कांड हुआ है जिसमें हमारे हिंदू भाइयों पर FIR की गई है, उसे जल्दी से जल्दी वापस लो। मैं प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं कि हिमाचल में अवैध ढांचे नहीं चलेंगे। या तो सरकार इसे खुद गिरा दे या हिंदू जागरण मंच बाध्य होगा एक सख्त कदम उठाने के लिए। बिना किसी बात के हम हर प्रकार से पूरे सेवा भाव से सबका सत्कार करते हैं, लेकिन सजग होने के लिए आज बहुत हमें आवश्यकता है। चीते बचे हुए हैं और इसको बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। एक